If you have kissed more than two, three people, you're a whore. If you haven't kissed anyone, you're so boring. If you drink a lot, अबे कैसा दारूडी है ये. If you don't drink at all, क्या boring आदमी है, sad life, party में इसको बुलाना ही नहीं चाहिए. It's so difficult to be yourself. We live in a society where no matter what we do, people are gonna be like, you know what? You need to be yourself. You need to listen to your heart. And the moment you do that, people are gonna be like, no. ये थोड़ी, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं. ये तो अलाउड ही नहीं है. एंड इफ यू फील कि मुझे लोगों की कोई फर्क नहीं पड़ती एंड देन आई एम नॉट गोना लिसन टू अदर पीपल, आई एम गोना डू समथिंग व्हिच आई बिलीव इन, पीपल आर गोना कैंसिल यू. यू कांट वॉक, यू कांट स्टैंड फॉर समथिंग यू बिलीव इन, यू कैन नॉट शेयर, टॉक, एक्सप्रेस और डू समथिंग व्हिच यू बिलीव इन. लेट्स स्टॉप जजिंग पीपल अराउंड अस एंड लेट देम बी देमसेल्व्स, एंड बाय डूइंग दैट वी आर गोना स्टार्ट अ चेंज. Hello everyone, welcome back to new vlog and a very good morning to all of you. And we successfully monetized on YouTube. वैसे हमारे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का जो टर्म्स कंडीशन होता है वो तो पहले कंप्लीट हो गया था, लेकिन कल रात ऑफिशियल मेल आया भैया, मोनेटाइजेशन लागू हो चुकी है भाई साहब. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ जा, उठ जा. ये कौन आया है, कौन आया है ये? वेलकम टू सिटी ऑफ मोमोज, ठीक है, वेलकम टू सिटी ऑफ मोमोज. कुछ दिन तो गुजारिए दिल्ली में. बूम. अरोन, यार भाई सही से करो, वापस करो. वन टू थ्री. तो भैया मम्मी के पैर छू के और मंदिर में दर्शन करके हम आए हैं पलमीनो फैन शो. घर नहीं दिखा सकता फिर यार, एक्सपोज हो जाता है, फिर तुम यहाँ भीड़ लगा लोगे तो फिर वो शाहरुख खान वाली फीलिंग आएगी रैनिश को ऊपर से. मुबारक हो चैनल मोनेटाइज. चलो भाई तुम्हें भी कांग्रेचुलेशन. तो कुछ मेरे को तो दे वापस. सोन पापड़ी, गेट लॉस्ट. खाओ पियो ऐश करो मित्रों, पूरी ले जाओ, पूरी ले जाओ अंदर. ये मत डालियो, पहला स्ट्राइक दे दूंगा मैं. अब बता यार, चैनल मोनेटाइज हो गया, अगले साल तक ऐसा हो जाएगा ना हमारा स्टूडियो, ऐसा ही थोर वर का थोड़ा थोड़ा. वो तो अभी भी हो जाएगा, लेकिन घर से पैसे मांगने पड़ेंगे. नहीं, एक रास्ता है, ढाका. डाका डालना पड़ेगा. भैया पिछली बार मैंने ब्लैक पैंथर को बोला था मर गया, अगर मार्वल फैंस को बुरा लगाओ तो सॉरी. ये भी मत डालियो, ठीक है ना, सॉरी ब्लैक पैंथर. क्या था इसका, चैडविक बोसमैन, सॉरी. बॉम्बे का बैडमिंटन पंजाब का कैंटमैन, नाम है पूरी पता नहीं, यू सेंट मैन, रिक्शा से निकला फ्लोर में रेंज में, ब्लैक बैग जो वाले लड़के. अभी भैया चैनल मोनेटाइज हुआ है, फलमीनो फैन कह रहे कुलचे खिला दो. मैं नहीं खा रहा, मेरे घर पे आज मेहमान आया ना तो दाल भात साग बनाए. फलमीनो फैन, इनकी जिद इसकी भी नहीं थी, ये फलमीनो फैन की जिद थी. इनका चैनल दो बार मोनेटाइज हुआ, मैंने एक बार भी पार्टी नहीं मांगी है. अभी तो बस हुआ है, अभी पैसा आए भी नहीं है. वो तो मेरे को बोले ले जाओ मनाली वनाली घुमाने, देखने में लग रहा, नहीं लग रहा कड़क. खाने के बाद जेन्युइन रिव्यू दीजिएगा. चलो वहाँ बैठ जाओ, आप वहाँ जाके खा लो. तो भैया सूरत और राजकोट से कुछ मेहमान आ रखे हमारे घर. मैंने कहा था ना, गुजरातियों के घर में खाना बंद ही नहीं होता, शादी पार्टी रिसेप्शन सब चलता रहता. आज देखो आज मेहमान आया तो मेहमान के चक्कर में अच्छा खाना मिलेगा. बैठते हैं, खाना खाते हैं उनके साथ, फिर उनको ड्रॉप करने जाना है. चलो चलो चलो, बाय बाय. हमारे साथ चाचा मौजूद है राजकोट से. अब मेरा सामान वामान बड़ा भिजवा दोगे यहाँ पे? भिजवा दूंगा. या मेरे को आना पड़ेगा? नहीं मैं भिजवा दूंगा. भिजवा दोगे ना, ठीक. मेरा रिंग लाइट स्टैंड, कपड़े वपड़े, ठंड के कपड़े नहीं है, शर्ट में ही घूम रहा हूँ कब से. हमको तो ठंड लग रही है. आधा राजकोट से दिल्ली आते हैं उनको ठंड लगती है, मुझे पिछले साल नहीं लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं. मैं अभी ऋषिकेश से ज़्यादा ठंड लग रही है. बाकी कैसा लग रहा है आपको पूरा दिल्ली? धुआं धुआं चारों तरफ, फॉग ही फॉग है. फॉग क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है दिल्ली. बाय.
बाय 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 भैया दो ये दे दो सन 20 के कर चैनल मोनेटाइज हुआ है उसकी पार्टी है इनको 1 2 3 ओके कॉन्ग्रेचुलेशन इसके पैसे फिर कॉन्ग्रेचुलेशन में निपट गए लो ये खाओ बोर खा रहे अंकल आ जाओ કાળા દિવસો જીવનમાં આવી જાય સહન કરજો બીજે દી ફટાકડા ફૂટતા છે તમારા હોળી પછી ધૂળેટી છે હોળી જેવો દિવસ આવી જાય 24 કલાક ધીરજ રાખજો બીજે દી તમારી માથે ગુલાલ ઉઠતો હશે सो गाइज आज मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और जैसा सोचा था मैंने कि वैसा व्लॉग बनाऊंगा सेलिब्रेशन करेंगे वैसा कुछ हुआ नहीं बट आई एम हैप्पी कि जो प्यार मुझे आज पूरे दिन मिला है सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे जितने मैसेजेस आए थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है और मोनेटाइज हुआ है बहुत बड़ी बात नहीं होगी काफ़ी लोगों के लिए लेकिन ऑफकोर्स अगेन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं हर एक छोटी छोटी खुशी को सेलिब्रेट करता हूँ काफ़ी लोग नहीं करते काफ़ी लोग चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं मेरे काफ़ी दोस्त हैं चैनल मोनेटाइज हो गया कुछ बताते नहीं है कुछ शेयर नहीं करते बट मैं उस टाइप का नहीं हूँ आई वॉन्ट टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माई लाइफ एंड माई यूट्यूब वैसे ये यूट्यूब का सफ़र तो बहुत सालों पहले स्टार्ट हो चुका था बट यूट्यूब को मैंने सीरियसली 3-4 महीने पहले लिया जब मैंने डेली ब्लॉगिंग की जिद पकड़ी थी यहाँ पहुँच के मैं बोल सकता हूँ कि हाँ अब मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ से मुझे अपना YouTube करियर अच्छा दिखाई दे रहा है नॉट फ्रॉम फाइनेंशियल एस्पेक्ट नॉट फ्रॉम लाइक पैसा कमाना और फेम कमाना बट एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट जिसको मैं अब छोड़ के नहीं जा सकता किसी भी कीमत पे चाहे फिर मुझे कुछ जॉब भी स्किप करनी पड़े और वो मैं कर भी रहा हूँ सॉरी मम्मी यूट्यूब के लिए अब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ठीक है सॉरी दूसरी सबसे बड़ी बात अब चैनल मोनेटाइज है अब तक मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि मुझे स्टेज पे पहुंचना था 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम मुझे लग रहा था कि ये कंप्लीट कर लूंगा तो आई एम सक्सेसफुल नो भैया अब असली कहानी की शुरुआत होती है क्योंकि अगर अब से 3 महीने 4 महीने बाद अब तक के जो 4 महीने थे वो तो सैक्रीफाइस स्ट्रगल ठीक है लेट नाइट एडिट्स और किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए दुनिया इधर से उधर हो जाए मेरा व्लॉग 12 बजे आ जाना चाहिए वो वाला स्टेज था व्लॉग तो अभी भी 12 बजे आएगा 12:45 आता है वैसे बट अब अगर 3-4 महीने बाद मोनेटाइजेशन के बाद अगर पैसे नहीं मिले तो फिर पैशन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर बहुत है भैया जॉब का एक्चुअली यार मिडिल क्लास फैमिली में यही होता है कि कुछ भी कर लो आप कितना भी पैशन कर लो कुछ भी कर लो कितने भी सक्सेसफुल हो आप लोग कितनी भी तारीफ करें दुनिया कितनी भी तारीफ करे लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं आपके पास कोई इनकम का जरिया नहीं है ना तो फिर वो सब बेकार है तो उसके लिए हम कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी टाइम से 2-3 महीने निकल चुके हैं मुझे पता है घर वाले भी नाराज़ है बाहर वाले भी नाराज़ है रिश्तेदार तो नाराज़ रहते ही हमेशा बट कोई बात नहीं हम कुछ कर लेंगे ठीक है हमें पता है वी हैव हैंड्स वी हैव लेग्स वी हैव आइज वी कैन डू एनीथिंग एनी टाइम एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड ओके एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑन माई ब्लॉग्स और बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे कॉमेंट्स आते हैं जब चल रहा होता हूँ कहीं रोड पे तो लोग बोलते हैं तेरी वीडियोस बड़ी मस्त है अब तो लोग घर पे आके बोलते हैं कि तुम्हारा छोकरो बहुत सारी वीडियोस बनावे छे पैसा नहीं आ रहा ना लेकिन वीडियोस का क्या करेंगे कोई बात नहीं जो पैशन ना दे पैसा वो पैशन नहीं सिखाता हम कमा के दिखाएंगे इसी से ठीक है बाकी जो भी लोग मेरी वीडियोस टीवी पे लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी देखते हो या कहीं देख रहे हो कि वो बंदा देख रहा है तो स्टोरीज वोरीज बना के मेंशन कर दिया करो इंस्टाग्राम पे आशीष ऑफिशियल _ पे अच्छा लगता है तुम व्हाट्सएप पे भेजते हो फिर मेरे को पता चलता है लोगों को पता चले फैन फॉलोइंग है मेंशन किया करो और इंस्टाग्राम पे ठीक है बाकी एंड में बस ये बोलना चाहूंगा मेहनत का है छोटे आने दे ओके बाय